स्टूडेंट्स, चेंज द वॉइस के इस चौथे वीडियो में आई वेलकम यू ऑल। नाउ ऑन द स्क्रीन यू कैन सी इन्फिनिटिव वर्ब्स या फिर वेरियस इम्परेटिव्स, यूज ऑफ अदर प्रपोजिशंस इन प्लेस ऑफ बाय, लेट या फिर वर्बल क्वेश्चंस। यानी अगर इस तरीके के सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में दिए जाते हैं तब उनका चेंज द वॉइस कैसे करते हैं वो हम इस पार्ट फोर में लर्न करेंगे। सो हियर आई रिपीट, जब सेंटेंस में इन्फिनिटिव वर्ब यानी टू फॉर्म दिया जाता है, वेरियस इम्परेटिव, आपको पता है इम्परेटिव सेंटेंसेस के अनेक अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि एडवाइस हो सकता है, रिक्वेस्ट भी उसमें आता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, लाइकवाइज। फिर उसी तरीके से कभी कभी जब हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस एक्टिव वॉइस का ट्रांसफॉर्म करते हैं तब हमेशा बाय नहीं आता, कभी कभी ये प्रपोजिशंस बदलते भी हैं, तो वो कौन से हो सकते हैं। एंड देन अगर हमारा सेंटेंस लेट से शुरू होता है तब उसका पैसिव वॉइस क्या होता है, या फिर जब वर्बल क्वेश्चंस यानी येस नो क्वेश्चंस रहते हैं, इस तरीके का सवाल जिसका सवाल आंसर येस या नो होता है, तब हमको कैसा उसका पैसिव वॉइस करना पड़ता है, इन सब के आज क्या करते हैं हम इस पार्ट फोर में प्रैक्टिस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द पार्ट फोर। सी, सबसे पहले इन्फिनिटिव सेंटेंसेस। नाउ इन्फिनिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूजुअली होता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस इन्फिनिटिव और प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको नीचे बताती हूँ, देखो यहाँ पर आपको सेंटेंस है शी इज टू लर्न इंग्लिश, राइट, यानी वो इंग्लिश सीखने वाली है। ओके तो यहाँ पर देखो शी इज ऑक्सिलरी वर्ब, टू लर्न इज इन्फिनिटिव एंड इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तब उसका करना है हमको पैसिव, यानी पहले आएगा ओ दैट इज ऑब्जेक्ट, फिर आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, फिर है टू बी विद री फॉर्म एंड बाय एस। तो इसका जवाब होगा इंग्लिश इज टू बी लर्न्ड बाय हर। ओके यानी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, एक्चुअली स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन जब टू आता है तब उसका इस्तेमाल क्या होना चाहिए वो हमको समझना ज़रूरी है। हम टू निकाल नहीं सकते, तो टू को रखते हुए उसके आगे बी लगाकर हमको मेन वर्ब का वी थ्री फॉर्म लेना है। वन मोर एग्जाम्पल आई शो यू, ही इज टू थ्रो द बॉल। एक्टिव वॉइस है देखो सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी, टू थ्रो इन्फिनिटिव है एंड ये है ऑब्जेक्ट। तो यूजुअली जो पैसिव वॉइस का फॉर्म है, पैटर्न है, वो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट यानी द बॉल आएगा, द बॉल इज टू बी थ्रोन बाय हिम। ओके इट्स ईजी, सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़रूरी है। देन समटाइम्स ऐसे होता है दैट द ऑब्जेक्ट कम्स बिफोर द इन्फिनिटिव, कभी कभी ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटिव के पहले आता है। जैसे अभी के आपके वीडियो में देखो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटिव के बाद आया है, लेकिन जैसे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटिव के पहले आएगा। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ देखो, देर इज़ नो हाउस टू सेल, टू सेल क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, एंड नो हाउस यानी ये ऑब्जेक्ट है, ये आ गया इन्फिनिटिव के पहले, तब क्या करना है, रिमेंबर देन ओनली चेंज द टू प्लस वी वन, इट चेंजेस इनटू टू बी वी थ्री, बाकी कोई चेंजेस नहीं होते। यानी इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, देर इज़ नो हाउस, यानी देखो देर इज़ नो हाउस एज इट इज़ हमने रखना है, सिर्फ टू सेल का यानी इस इन्फिनेटिव का चेंज क्या होगा, टू बी वी थ्री यानी टू बी सोल्ड। ओके बाकी नो चेंजेस, देर इज नो हाउस यानी देर इज नो हाउस, यहाँ तक सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ टू सेल इस इन्फिनेटिव का होगा टू बी सोल्ड। वन मोर, देर आर नो टॉयज टू बाय, तो इसका क्या होगा, यस देर आर नो टॉयज तक हम एज इट इज आएंगे, एंड टू बाय का क्या होगा, टू बी बॉट, यस सीधा आंसर, देर आर नो टॉयज टू बी बॉट, क्लियर। वन मोर, आई हैव नथिंग टू से, आई हैव नथिंग यस टू बी सेड, वेरी गुड, आई हैव नथिंग टू बी सेड। ओके तो यहाँ पर ध्यान रखो सिर्फ इन्फिनिटिव के मामले में, जब ऑब्जेक्ट उसके बाद आएगा तब हमको कैसे स्ट्रक्चर करना है, और जब ऑब्जेक्ट उसके पहले आता है तब हमको उसको क्या करना है। नेक्स्ट पार्ट देखो,
सिंपल इम्परेटिव। अब मैंने आपको बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंसेस के अलग अलग टाइप रहते हैं, तब हम उनको कैसे पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सिंपल इम्परेटिव सेंटेंस, जिसमें स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस O प्लस C, दैट इज एग्जाम्पल देखो, सेंटेंस होगा ओपन द बुक्स, V1 O, द बुक्स क्या हो गया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सी दिया नहीं है, एज आई सेड नॉट नीडेड हमेशा। तो उसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या है देखो, पहले लेट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी प्लस V3, ये कॉमन पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आना ही है, एंड देन सी अगर है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। सो यह लेट आया, ओ यानी द बुक्स आए, फिर है बी का फॉर्म, एंड V3 ऑफ मेन वर्ब क्या है, ओपन का होगा ओपन, सो लेट द बुक्स बी ओपन्ड, क्लियर। नेक्स्ट चेंज द वॉइस, ये क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, चेंज द वॉइस, सो यहाँ पर स्टार्टिंग होगी लेट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द वॉइस, करेक्ट, सो लेट द वॉइस, फिर है बी, बी का बी आएगा डायरेक्ट, एंड V3 क्या आएगा चेंज का, चेंज चेंज्ड चेंज्ड, करेक्ट, सो लेट द वॉइस बी चेंज्ड, इज इट इजी। नेक्स्ट एडवाइस, इंपरेटिव सेंटेंस में कभी कभी कुछ सलाह राइट एडवाइसेस भी रहते हैं, उसका भी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कैसा है देखो, V1 प्लस O प्लस C। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको नीचे बता दूँ, देखो AB सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस, लव योर नेबर्स। अब याद रखो ये हम किसी को हुक्म नहीं करते कि अपने पड़ोसियों से प्यार करो राइट, तो ये क्या हो गया एडवाइस, सलाह है, हम किसी को राय देते हैं, सलाह देते हैं। तो इसमें और हुक्म में, ऑर्डर में थोड़ा डिफरेंस होता है पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन में। व्हाट इज इट, सी ओ पहले आएगा, दैट इज द ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पर क्या है योर नेबर्स, उसके बाद शुड आता है, फिर बी है, एंड V3 इज द एक्शन, ओ जो है V1, एंड देन सी है तो आएगा, जैसे कि नेबर्स शुड बी लव्ड, नेबर्स को प्यार करना चाहिए या नेबर्स प्यार करे किए जाने चाहिए, इट इज़ लाइक दैट। सो यहाँ पर हम फोर्स एडवाइस में और हुक्म में, ऑर्डर में, कमांड में फ़र्क है, लेकिन एडवाइस इज ऑल्सो अ पार्ट, अ टाइप ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, रिमेंबर, इसके लिए हमको इसको भी कंसिडर करना ज़रूरी है। वन मोर, क्लीन द सराउंडिंग, हम किसी को हुक्म नहीं कर सकते क्लीन द सराउंडिंग, दिस इज एन एडवाइस, सलाह है कि अपना सराउंडिंग क्लीन रखो, सो यहाँ पर क्या आएगा, द सराउंडिंग शुड बी क्लीन्ड, ओके। सो इट डिपेंड्स, आपको ये समझना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस ऑर्डर है और कौन सा सेंटेंस सलाह है, उस हिसाब से हमको इस पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करना है, क्लियर एवरीवन। नाउ तीसरा टाइप है इंपरेटिव सेंटेंस का, इंट्रांजिटिव सेंटेंस, इंट्रांजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस। अभी इंट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव का मतलब है जहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं होता है कभी, ओके, इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिर्फ आपको वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल है देखो सिंपल, मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, नीचे देखो कम हियर, यहाँ आओ, ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, इसको कहते हैं इंट्रांजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस। इंट्रांजिटिव यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिसकी बहुत ज़रूरत होती है पैसिव वॉइस में, सुनो, लेकिन यहाँ पर वो दिया ही नहीं तो हम क्या करेंगे। तो ध्यान दो, जब हमको सिर्फ वी यानी वर्ब दिया है और कॉम्प्लीमेंट दिया है, तब उसकी शुरुआत हम करेंगे कि यू आर रिक्वेस्टेड। यहाँ पे फिर से एक बार आपको मैं मतलब समझाती हूँ, जैसे कम हियर, ये सेंटेंस में किसी को इस्तेमाल करूँगी तो ये किसके लिए होगा, जो शख्स मेरे सामने मौजूद है राइट, ऐसे किसी इंसान को मैं कह रही हूँ कि तुम ये करो राइट, तो मैं हमेशा तो नहीं बोलूँगी तुम ये करो, मैं डायरेक्ट कह सकती हूँ बैठो उठो जाओ, सेम वे यहाँ आओ, ये मैंने उस इंसान को कहा, तो यहाँ पे रियल सेंटेंस क्या है, यू कम हियर, तुम यहाँ आओ राइट, या फिर यू आर, तो यहाँ पे तुम यहाँ पर आओ, इसके लिए मेरा यहाँ पे पैसिव सेंटेंस में उसका इस्तेमाल ऐसा होगा कि यू आर रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड, यानी मैं तुमको रिक्वेस्ट कर रही तुम ये करो, या फिर मैं तुमको हुक्म कर रही हूँ, ओके। तो यहाँ पर कम ईयर की जगह पे मैं कह सकती हूँ यू आर रिक्वेस्टेड टू डैश और यू आर ऑर्डर्ड टू डैश। तो यहाँ पे सेंटेंस देखो, अभी कम ईयर है, सपोज इसका सेंटेंस इस तरीके से हुआ, मीनिंग मैंने जैसे कहा कि आई रिक्वेस्ट यू टू कम ईयर, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम यहाँ पर आओ, ये इसका मेन बोलते ना छुपा हुआ मीनिंग है कम ईयर, ये दिखने वाले सेंटेंस का रियल मीनिंग क्या है, आई रिक्वेस्ट यू टू कम ईयर।
तो यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस क्या होना चाहिए, आई रिक्वेस्ट यू का, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा इस अंडरलाइन पार्ट का, येस यू आर रिक्वेस्टेड बाय मी, तुमको मेरी तरफ से इल्तिजा की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, क्लियर। सो आई रिक्वेस्ट यू का होगा यू आर रिक्वेस्टेड बाय मी, और इसी में हमको इस वी और सी को भी ऐड करना है। याद रखो इंट्रांजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस में ये हिस्सा आई रिक्वेस्ट यू, आई ऑर्डर यू, ये दिखता नहीं है, इसको हमको खुद ऐड करना है। इसके लिए सेंटेंस की तरफ ध्यान देंगे कि जहाँ पे सिर्फ वी और सी दिया है, इसका मतलब ये एक इंट्रांजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें मुझे ये आई रिक्वेस्ट यू या आई ऑर्डर यू खुद ऐड करना है अलग से, और इस कदर मुझे पैसिव वॉइस मिलेगा। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर बाय मी, यानी तुमको मेरी तरफ से दरख्वास्त की जा रही है कि तुम यहाँ पर आओ, क्लियर। यानी सेंटेंस में नो चेंज, कम हियर का कम हियर ही रहा, इस यहाँ पे कुछ बदलाव नहीं होगा, लेकिन वी थ्री तो आना है पैसिव वॉइस में, तो ये वी थ्री किसका लेंगे हम, तो ये हम इसका लेंगे आई रिक्वेस्ट यू का, यू आर रिक्वेस्टेड। देखो आर बी फॉर्म है एंड रिक्वेस्टेड क्या है, वी थ्री फॉर्म, यानी पैसिव वॉइस में बी प्लस वी थ्री फॉर्म जो चाहिए वो किसी भी सूरत में मिलना ही मिलना है। ओके एग्जाम्पल के तौर पे मैं और आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके बताती हूँ। देखो कीप क्वाइट, चुप बैठो, अब ये क्या है चुप बैठो, हम क्लास में यूजुअली टीचर हमको ऑर्डर करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा यू आर ऑर्डर टू कीप क्वाइट, तुमको चुप बैठने की क्या दी गई है, ऑर्डर दी गई है। नेक्स्ट पे द बिल, बिल पे करो, होटल में क्या है किसी का, तो आपको हुक्म तो नहीं किया जाएगा, आपको रिक्वेस्ट की जाती है, सो यू कैन से यू आर रिक्वेस्टेड टू पे द बिल। सो ध्यान दो आपको ये जो सेंटेंस है वो ऐसे के ऐसे पैसिव वॉइस में लास्ट में मिलेगा, पे द बिल, पे द बिल, सिर्फ इसके शुरुआत में हमको क्या ऐड करना है, यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। सिर्फ अभी ये ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है ये हमको तय करना है। ओके नेक्स्ट देखो नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस, कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव भी होते हैं, जैसे कि जो सेंटेंसेस डोंट से शुरू होते हैं, राइट, तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे इस्तेमाल किया है, देखो डोंट वी वन ओ प्लस सी, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको देती हूँ। देखो बताया है डोंट क्लोज द डोर नाउ, दरवाज़ा अभी बंद मत करो, कुछ भी है, ठंडी लग रही है, गर्मी हो रही है, कुछ भी। सो यहाँ पर यह ध्यान दो इफ़ इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस देन इट बिगिंस विद लेट, अभी ये सिंपल सेंटेंस है कि दरवाज़ा अभी बंद मत करो, जैसे गर्मी हो रही, इट इज़ वेरी हॉट, तो यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है, इसके लिए मैं क्या करूँगी, लेट से इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ, जैसे कि यहाँ पर लेट दूंगी और बाकी ये स्ट्रक्चर रहेगा जो मैंने आपको आगे बताया है। तो मुझे ये दिया हुआ एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में फिट करना है, जो होगा लेट ओ, ऑब्जेक्ट है द डोर, द डोर बी नॉट वी वन क्या है क्लोज, इसका वी थ्री फॉर्म क्लोज्ड आएगा एंड नॉट नाउ, यानी अभी दरवाज़ा मत बंद करो, पैसिव वॉइस में क्या होगा कि अभी दरवाज़ा ये बंद नहीं किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट बट कभी कभी यहाँ पर ये एक एडवाइस भी हो सकती है, राइट, मॉरल एडवाइस, किसी को हम सलाह देते हैं, जैसे मैंने कहा, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर ध्यान दो सेंटेंस है डोंट हॉन्क द हॉर्न, जैसे यहाँ पर हॉस्पिटल है, स्कूल है, तो यहाँ पर हॉन्क हॉर्न मत बजाओ, हॉर्न हॉन्क मत करो, हॉर्न मत बजाओ, ये क्या है एक एडवाइस है, सलाह है लोगों के लिए कि अस्पताल है नज़दीक, तो यहाँ पर हॉर्न बजाना मना है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे आएगा, द हॉर्न शुड नॉट बी हॉन्क्ड, समझ में आ रहा आपको। सिंपल देखो इंपरेटिव सेंटेंस यानी जब हम ऑर्डर करते हैं नेगेटिव में, जैसे डोंट से, तो यहाँ पे डोंट आएगा, डोंट क्लोज द डोर, तो उसका क्या होगा लेट द डोर बी नॉट क्लोज, ये इसका स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। लेकिन जब वो सलाह होती है, जैसे मैंने अभी आपको इसके पहले बताया, वो अगर नेगेटिव में आता है तो हमको क्या करना है, डोंट हॉन्क द हॉर्न, यानी ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा एक्टिव वॉइस का, लेकिन पैसिव में उसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, द हॉन्क शुड नॉट बी हॉन्क्ड, यस। नेक्स्ट अभी जैसे मैंने आगे का आपको टाइप बताया था कि हर बार बाय नहीं आएगा, जैसे बाय होम, बाय द सब्जेक्ट आता है, वहाँ पर अगर ये नीचे दिए गए वर्ब्स दिए जाते हैं, जैसे इंटरेस्टेड है, रिफ्लेक्ट या कॉट है, तो वहाँ पे बाय की जगह पे पैसिव वॉइस में आता है इन,
सेटिस्फाई या प्लीज है तो उसकी जगह पे आता है एट, यहाँ पे सेटिस्फाई आएगा। शॉक सरप्राइज या अट्रैक्ट है तो उसकी जगह पे यानी बाय की जगह पे आएगा विथ। कैसे, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। सी, ध्यान से देखो यहाँ पर, द बुक इंटरेस्टेड मी यानी उस किताब में, किताब ने क्या किया, मुझ में दिलचस्पी पैदा की। तो यहाँ पर क्या होगा, आई वॉज इंटरेस्टेड इन द बुक, आई वॉज इंटरेस्टेड बाय द बुक आना चाहिए। नो, इंटरेस्ट मैंने अभी आपको कहा, जब आपको ऐसे वाले वर्ब्स मिलेंगे इंटरेस्टेड, रिफ्लेक्ट, कॉट, तो बाय की जगह पे आएगा इन, सेटिस्फाई प्लीज की जगह पे आएगा एट यानी उसके साथ, और शॉक सरप्राइज एंड अट्रैक्ट इसके जगह, इसमें बाय की जगह पे आपको मिलेगा विथ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पहला सेंटेंस, द बुक इंटरेस्टेड मी, आई वॉज इंटरेस्टेड इन द बुक, द फायर कॉट द फ्लोर, द फ्लोर वॉज कॉट इन फायर, इन द फायर, द मिरर रिफ्लेक्ट्स आर फेसेस आर रिफ्लेक्टेड इन द मिरर। ओके, बाय नहीं आता यहाँ पर, ये ध्यान रखो। देन वन मोर, सेकेंड वाला, द रिजल्ट प्लीज्ड एवरीवन, उस रिजल्ट ने सबको खुश कर दिया यानी सब लोग उस रिजल्ट से खुश थे, राइट? तो यहाँ पर होगा एवरीवन वाज प्लीज्ड विद द रिजल्ट, हिज सक्सेस विल सेटिस्फाई पेरेंट्स, उसकी कामयाबी उसके वालिदैन को खुश कर देगी, मुतमईन कर देगी। तो यहाँ पर क्या होगा, हिज पेरेंट्स विल बी सेटिस्फाइड विद हिज सक्सेस। ओके, नेक्स्ट, हिज हर बिहेवियर शॉक्ड मी, उसके बिहेवियर ने सबको चौंका दिया, इसका मतलब ही पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब लोग उसके बिहेवियर से चौंक गए। तो यहाँ पर हो सकता है आई वॉज शॉक्ड एट हर बिहेवियर। देन द सडन रेन विल सरप्राइज ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस विल बी सरप्राइज एट द सडन रेन। ओके, द फ्लावर्स अट्रैक्टेड द बीज वर अट्रैक्टेड एट द फ्लावर्स। तो ये ध्यान रखो, ये जो वर्ब्स मैंने आपको टेबल इसके पहले दिया है स्लाइड में, उसको तरफ ध्यान देंगे वीडियो में, कि जब ये वर्ब्स आएंगे तब उसमें बाय की जगह पे पैसिव वॉइस में ये वाले प्रेपोजिशंस इस्तेमाल होते हैं। नाउ देन नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिगिंस विद द पजेसिव प्रोनाउन इन पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस इट इज रिप्लेस्ड बाय द, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट दिया गया सेंटेंस में, एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आपको समझेगा। देखो, हीज का, ही ब्रॉट हीज कार, उसने अपनी कार लाया, अपनी यानी क्या, उसकी पजेशन बता रहा है, ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, हीज कार, हर कार, माय कार। तो जब ऑब्जेक्ट शुरू होता है ऐसे प्रोनाउन से जो कि पजेसिव है, तब उसका जब पैसिव करेंगे ना हम, तब हीज नहीं आएगा, उसकी जगह पे द कार आएगा। यहाँ पर हीज है लेकिन पैसिव वॉइस में हीज नहीं आता, यहाँ पर आएगा द कार वॉज ब्रॉट बाय हिम। डिफरेंस समझ में आ रहा है, शी डिडंट गेट हर ड्रेस, द ड्रेस वॉज नॉट गॉट बाय हर। रानी एंड मनी ऑलवेज फॉरगेट देयर टॉयज इन द गार्डन, राइट? सो द टॉयज आर ऑलवेज फॉरगॉटन बाय रानी एंड मनी इन द गार्डन। क्लियर एवरीवन? यहाँ पर हीज है, हर है या देयर है, ये पजेसिव प्रोनाउन जहाँ पर दिखेंगे ऑब्जेक्ट के शुरुआत में, तब उसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तब हीज या जो पजेसिव प्रोनाउन वो निकल जाता है, उसकी जगह पे द द द आता है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट देखो, फ्रेजल वर्ब्स, कभी कभी कुछ वर्ब फ्रेजल वर्ब्स में क्या करते हैं, देखो लाइक वो साथ में आते हैं, उनको अलग नहीं करना है। जैसे कि देखो, दे लुक्ड एट द शिप, उन्होंने शिप की तरफ देखा, तो लुक्ड एट ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब, ये हमेशा साथ आते हैं, तो हम इनको अलग नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में। जैसे कि द शिप वॉज लुक्ड एट बाय देम, यानी एट में कोई फ़र्क नहीं होगा, लुक में फ़र्क होगा, जैसे जो भी है वी वन वी थ्री फॉर्म है, लेकिन जो प्रपोजिशन है वो उसके साथ ही टच होके आएगा, उसके साथ ही जुड़ कर आएगा। और वन मोर, वी शुड लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, आर पेरेंट्स शुड बी लुक्ड आफ्टर बाय अस। देखो, लुक का क्या हो गया, लुक्ड हो गया, पास टेंस ना, वी थ्री फॉर्म, लेकिन आफ्टर में नो चेंजेस। क्लियर एवरीवन? नाउ कुछ सेंटेंसेस लेट से शुरू होते हैं, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस का क्या करना है भला? तो यहाँ पर देखो, एक्टिव वॉइस में आपका सेंटेंस क्या होता है, लेट प्लस एस प्लस वी वन प्लस ओ प्लस सी। एग्जाम्पल है यहाँ पर, लेट अस सेलिब्रेट द फेस्टिवल, आओ त्यौहार मनाएं या फिर त्यौहार मनाया जाए। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में क्या चेंजेस होते हैं, देखो, लेट विल रिमेन लेट, यानी शुरुआत का लेट चेंज नहीं होगा, लेकिन बाद में आएगा ऑब्जेक्ट,
फिर बी प्लस वी थ्री एंड बाय एस, यानी जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस का मीनिंग रहता है ना, जो सिंपल सेंटेंस रहते हैं हमारे असर्टिव, थोड़ा बहुत वही है, सिर्फ लेट की वजह से उसमें फ़र्क है। जैसे कि लेट अस सेलिब्रेट द फेस्टिवल का होगा लेट द फेस्टिवल बी सेलिब्रेटेड बाय अस, ओके। यानी यहाँ पर एकदम सिंपल है, लेट को लेट ही रखना है एंड देन ये जो अस है सब्जेक्ट वो लास्ट में जाएगा, बाकी ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर हमारे असर्टिव सेंटेंसेस के जैसा ही रहेगा। और प्रैक्टिस के लिए बताती हूँ, देखो लेट द चाइल्ड ईट द बिस्किट्स, उस बच्चे को बिस्किट खाने दो, या लेट द बिस्किट्स बी ईटन बाय द चाइल्ड, लेट द टीचर कंडक्ट द सेशन, लेट द सेशन बी कंडक्टेड बाय द टीचर, ओके। नेक्स्ट, वैसे ही कभी कभी आपको एक्टिव वॉइस में ऐसे सेंटेंसेस भी मिलेंगे जिसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर लेट आएगा, ओ आएगा और सी आएगा, ये ज़रा अलग किस्म का सेंटेंस है। देखो, वी लेट द कैट ईट द फिश, हमने उस बिल्ली को फिश खाने दिया। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर खाने दिया या हम खाने देते, लेट क्या है, लेट लेट लेट, ये तीनों फॉर्म सेम है, तो यहाँ पर हम बहुत कंफ्यूज है। सी इन द अबाउ सेंटेंस द टेंस इज नॉट क्लियर, हमने बिल्ली को खाने दिया या हम बिल्ली को खाने देते हैं, ये दोनों भी आ सकते हैं, यानी टेंस कौन सा टेंस है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, वेदर इट इज सिंपल टेंस और पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट है या पास्ट टेंस। इसलिए व्हेन द सब्जेक्ट इज आई यू दे और वी, जैसे यहाँ पर वी है, देन इट इज कंसिडर्ड एज पास्ट टेंस, तब हम उसको पास्ट टेंस ही मानते हैं एंड अकॉर्डिंगली पास्ट टेंस के मुताबिक हम टू बी का फॉर्म लेते हैं। जैसे कि पैसिव वॉइस में देखो, एस लेट ओ सी का क्या होगा, ओ वॉज या वर आएगा, लेट टू वी वन बाय एस, जैसे क्या आएगा, द कैट वॉज लेट टू ईट द फिश बाय अस, याद रखो, यानी कभी ये दिया भी होगा कभी नहीं भी, जब दिया है तो हमको कैसे पकड़ना है। द कैट दैट इज द ऑब्जेक्ट वॉज सिंगुलर, इसके लिए वॉज, देन लेट टू ईट द फिश, यानी हमारी तरफ से उस कैट को खाने दिया गया, यानी वो बिल्ली जो मैं फिश है वो खाने दिया गया। एग्जाम्पल और बताती हूँ देखो आपको इसका, मैं आई लेट देम प्ले, मैंने उसको खेलने दिया, दे वर लेट टू प्ले बाई मी, वो लोग खेलने दिए गए मेरी तरफ से। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है हिंदी में, मनोज लेट अस गो, यस वी वर लेट टू गो बाई मनोज, ठीक है। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज वर्बल क्वेश्चंस, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है डेफिनेटली, लेकिन ये भी एकदम आसान होगा अगर आप ध्यान से स्टेप्स की तरफ ध्यान देंगे। देखो यहाँ पे, वर्बल क्वेश्चंस बिगिन विद ऑक्सिलरी वर्ब एंड एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, जैसे कि इज ही प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका क्या है, वर्बल क्वेश्चन है, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा है। अब पहले मैं क्या करूँगी, इसका पैसिव वॉइस करते वक्त पहले इसको सिंपल असर्टिव सेंटेंस में लूँगी, जैसे कि मैंने किया उसको, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये स्टेप है करने की, ये करनी ही आपको, एक बार आपको ये दिमाग में बैठ गया आप फाइनल आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये स्टेप्स देखो, पहले उसको असर्टिव में ट्रांसफॉर्म कर लिया, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ओके। देन इस असर्टिव सेंटेंस का हमको पैसिव बनाना है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये एक सिम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हम इसको पैसिव में करेंगे, क्या होगा इसका, क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय मी, हो गया, दैट्स इट, अभी हमको फाइनल आंसर हमारा मिलेगा। नाउ इसमें से हमको क्या करना है, जस्ट प्लेस द ऑक्सिलरी वर्ब इन द बिगिनिंग एंड कीप रिमेनिंग सेंटेंस इन सेम ऑर्डर, यानी इसमें का जो ऑक्सिलरी है ना यहाँ पे इज, ये इज उठा के हमको स्टार्टिंग में डालना है, जैसे कि इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क, हो गया हमारा वर्बल क्वेश्चन का पैसिव वॉइस। इज ही प्लेइंग अ क्रिकेट, ये सवाल था एक्टिव वॉइस का, हमको उसका पैसिव वॉइस क्या मिला, देखो लास्ट में इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हिम, ये डायरेक्ट कुछ बच्चों को नहीं समझेगा, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर ही स्टेप बाय स्टेप बताया है, पहले दिया गया क्वेश्चन असर्टिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करो, फिर इस असर्टिव का पैसिव वॉइस करो, फिर इसका ऑक्सिलरी वर्ब उठा के स्टार्टिंग में डालो, बचा हुआ सेंटेंस एज इट इज एंड लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, हो गया हमारा वर्बल क्वेश्चन का पैसिव वॉइस। वन मोर एग्जाम्पल आई शो यू, देर आर टू एक्चुअली, सी हियर, डज शी लाइक सॉन्ग्स, क्या उसको सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगी, शी लाइक्स सॉन्ग्स, इसको मैं क्या करूंगी अभी पैसिव वॉइस में, सॉन्ग्स आर लाइक्ड बाय हर, अभी आर उठा के शुरू में रखना है,
आर सॉन्ग्स लाइक्ड बाय हर क्वेश्चन मार्क. ये हो गया एक्टिव वॉइस, ये हो गया पैसिव वॉइस. क्लियर. नेक्स्ट, हैड दे गिवन यू चॉकलेट्स, क्या उन्होंने तुमको चॉकलेट दिए थे. इसका असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, दे हैड गिवन यू चॉकलेट्स. इसको क्या करो, पैसिव करो. यस, द चॉकलेट्स और चॉकलेट्स हैड बीन गिवन टू यू बाय देम. अभी हैड उठा को शुरू में रखो. हैड चॉकलेट्स बीन गिवन टू यू बाय देम. क्लियर. यहाँ पे बीन आएगा, आई एम सॉरी, हैड चॉकलेट्स बीन आएगा. ओके, हियर यू विल राइट हियर यू विल हैव बीन. क्लियर, इज इट क्लियर सी एवरीवन. ओके, सो हियर ऑलमोस्ट अप, वी आर डन विथ योर चेंज द वॉइस पार्ट 4. आई होप डेफिनेटली इससे आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली हेल्प होगी, नॉट ओनली इन 9th एंड 10th बट ऑल्सो फॉर योर 11th एंड 12th एज वेल. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज 5 नंबर पार्ट पे, चेंज द वॉइस का हर एक छोटा मोटा बचा हुआ जो भी पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे. एंड दैट्स इट, डेफिनेटली आपको ये चेंज द वॉइस के क्वेश्चन में हेल्पफुल रहेगा. ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे.